ओके, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एट्रीब्यूट बताऊंगा एंड ऐसे एबिलिटीज बताऊंगा जिसको लेकर ज्यादातर बंदे कंफ्यूजन में रहते हैं, लाइक एक्यूरेसी, आर्मर पेनेट्रेशन, एक्सक्लूसिव वेपन। ऐसे एट्रीब्यूट एंड एबिलिटीज काफी सारे कैरेक्टर्स एंड वेपन में अवेलेबल होते हैं, लेकिन फ्री फायर में इस चीज के बारे में तो कोई बताता ही नहीं। कोई हेडशॉट मारना सिखाता है, तो कोई सीएस प्ले करना सिखाता है, तो कोई रोस्ट करने में बिजी है, तो कोई लड़की पटाना सिखा रहा है। लड़की पटाना, साला मुझे आजकल समझ नहीं आ रहा कि YouTube का सस्ता नशा है या फिर आप घंटा दबाना भूल जा रहे हो, मतलब बेल आइकन दबाना, क्योंकि यार आजकल नोटिफिकेशन से व्यूज ही नहीं आते। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी का एबिलिटी भी अवेलेबल है एंड एट्रीब्यूट भी अवेलेबल है। देखो यहाँ पे इस एके में डबल एक्यूरेसी है, तो यहाँ पे डीबी कैरेक्टर में एक्यूरेसी अवेलेबल है, लेकिन साला हमें ये नहीं पता है कि एक्यूरेसी करता क्या है, एक्यूरेसी का मतलब क्या है। देखो एक्यूरेसी का मतलब है सटीकता, यानी कि आप जब भी एनिमी पे फायर करोगे ना तो आपका गोली सटकेगा नहीं, सभी गोली एक्यूरेट होके लगेगा, इसको बोलते हैं सटीकता। एंड सटीकता का मतलब है एक्यूरेसी। एंड एक्यूरेसी काम कैसे करता है, चलो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक तरफ है डबल डैमेज वाला एके एंड दूसरी तरफ है डबल एक्यूरेसी वाला एके। तो देखो दोनों में मैं बॉडी पे फायर कर रहा हूँ, देखो मैंने दोनों में एक मैगजीन पूरा किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो डबल डैमेज वाली एके डैमेज तो ज्यादा दे रही है लेकिन गोलियां कम कनेक्ट हो रही है, जहाँ पे एक्यूरेसी में गोलियां ज्यादा कनेक्ट हो रही है। तो एक्यूरेसी का काम ये होता है, आप जब भी एनिमी पे फायर करते हो ना तो गोलियां ज्यादा कनेक्ट होती है, डैमेज रेट ऑफ फायर कुछ भी नहीं बढ़ता। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्यूरेसी को लेकर अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पे है आर्मर पेनेट्रेशन। देखो आर्मर पेनेट्रेशन नाम का एबिलिटी भी अवेलेबल है एंड एट्रीब्यूट भी अवेलेबल है। देखो हायातो में आर्मर पेनेट्रेशन नाम का एबिलिटी है, जहाँ पे इस M4A1 में डबल आर्मर पेनेट्रेशन अवेलेबल है, लेकिन साला आर्मर पेनेट्रेशन काम कैसे करता है एंड आर्मर पेनेट्रेशन का मतलब क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो देखो बहुत सारे बंदे आर्मर पेनेट्रेशन को क्या बोलते हैं कि आर्मर पेनेट्रेशन मतलब है कि वेस्ट तोड़ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्मर पेनिट्रेशन का मतलब है कि वेस्ट, लेकिन वेस्ट को तोड़ना ऐसा नहीं है, वेस्ट काम नहीं करेगा ऐसा मतलब होता है। यानी कि आपके पास आर्मर पेनिट्रेशन वाला एबिलिटी या फिर एट्रीब्यूट होगा ना, तो आप एनिमी पे फायर करोगे ना तो एनिमी का वेस्ट काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि एनिमी का वेस्ट टूट जाएगा, एनिमी के पास 4 लेवल का वेस्ट होगा ना फिर भी उसको ज्यादा डैमेज पड़ेगा, क्योंकि उसका वेस्ट काम नहीं करेगा। एंड ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वेस्ट ही काम नहीं करेगा, मतलब थोड़ा सा वेस्ट काम नहीं करेगा। अगर आपके पास सिंगल आर्मर पेनेट्रेशन होगा देन थोड़ा सा काम नहीं करेगा, एंड अगर आपके पास डबल आर्मर पेनेट्रेशन होगा देन उससे भी ज्यादा वेस्ट काम नहीं करेगा, लेकिन 100% वेस्ट काम नहीं करेगा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा वेस्ट काम नहीं करेगा जिससे उसको ज्यादा डैमेज पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं है कि वेस्ट अकेला ही काम नहीं करेगा, वेस्ट एंड हेलमेट दोनों ही काम नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अकेले वेस्ट के बारे में बता रहा था, चलो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक साइड है डबल आर्मर पेनेट्रेशन वाला M4A1 एंड दूसरी साइड है नॉर्मल M4A1। तो देखो मैं बॉडी पे मार रहा हूँ एनिमी को, तो सेम डैमेज लग रहा है एंड हेड पे भी सेम डैमेज लग रहा है। तो देखो सामने वाले एनिमी के पास वेस्ट एंड हेलमेट नहीं है, इसलिए आर्मर पेनेट्रेशन काम नहीं कर रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने अब 2 लेवल का वेस्ट एंड हेलमेट लगा लिया दोनों में, तो देखो नॉर्मली में डैमेज कम लग रहा है, जहाँ पे आर्मर पेनेट्रेशन वाले में डैमेज ज्यादा लग रहा है। तो इस टाइप से काम करता है आर्मर पेनेट्रेशन। आर्मर पेनेट्रेशन उसी टाइम काम करेगा जिस टाइम एनिमी के पास वेस्ट होगा उस टाइम, क्योंकि आपके पास आर्मर पेनेट्रेशन होगा ना तो एनिमी का वेस्ट काम नहीं करेगा जिससे उसको ज्यादा डैमेज पड़ेगा। एंड एनिमी के पास वेस्ट ही नहीं होगा तो आर्मर पेनेट्रेशन कैसे काम करेगा बताओ। एंड आपको पता ही होगा कि हायातो में ये सेम एबिलिटी अवेलेबल है, तो हायातो का एबिलिटी भी उसी टाइम काम करता है जिस टाइम एनिमी के पास वेस्ट होता है उस टाइम। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आर्मर पेनेट्रेशन काम कैसे करता है। तो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे है एक्सक्लूसिव वेपन, एंड एक्सक्लूसिव वेपन नाम का एबिलिटी अलवारो कैरेक्टर में अवेलेबल है, लेकिन एक्सक्लूसिव वेपन का मतलब क्या है वो तो साला हमें पता ही नहीं है। देखो एक्सक्लूसिव वेपन का मतलब क्या है कि फ्री फायर में जितने भी ग्रेनेड, ग्रेनेड लॉन्चर, लैंडमाइन, इन सबको बोला जाता है एक्सक्लूसिव वेपन, या फिर ग्रेनेड से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज है ना, इन सबको बोला जाता है एक्सक्लूसिव वेपन। एंड अब ये मत पूछना कि एक्सक्लूसिव वेपन काम कैसे करता है। ओके, हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पे है मार्कसमैन राइफल गन।
देखो मार्कसमैन राइफल गन नाम का एबिलिटीज रफेल कैरेक्टर में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। मार्कसमैन राइफल गन कौन सा होता है ये ज्यादातर बंदों को पता नहीं होगा। देखो वुडपैकर, एसकेएस, एसवीडी, एससीएटी, इन चारों को बोला जाता है मार्कसमैन राइफल गन। एंड ये चारों काम कैसे करते हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इन चारों से तो आपने घर पे चढ़ के बहुत सारे किल किए हैं, मुझे पता है। ओके, सो मार्कसमैन राइफल गन किसे बोलते हैं आपको पता चल गया होगा। तो हमारी लिस्ट में अब सबसे लास्ट में बचा है सब मशीन गन। देखो सब मशीन गन नाम का एबिलिटीज निकिता कैरेक्टर में अवेलेबल है। एंड सब मशीन गन का मतलब क्या है कि जितने भी फ्री फायर में एसएमजी गन है ना उन सबको बोला जाता है सब मशीन गन। एंड अब ये मत बोलना कि एसएमजी गन क्या होता है, एसएमजी गन लाइक MP5, MP40, P90, थैम्सन, वेक्टर, इन सबको बोला जाता है एसएमजी गन। एंड एसएमजी गन को बोला जाता है सब मशीन गन। ये सब मशीन गन नाम का एबिलिटी निकिता कैरेक्टर में शायद पहले अवेलेबल था लेकिन अब नहीं है, अब साफ साफ एसएमजी लिख दिया है लेकिन पहले सब मशीन लिखा था। देखो यहाँ पे ओल्ड निकिता में देखो सब मशीन लिखा है जबकि यहाँ पे अब न्यू निकिता में देखो एसएमजी साफ साफ लिख दिया है। एंड एसएमजी गन काम कैसे करता है ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप एसएमजी गन से इतने सारे किल कर चुके हैं, वो जितने तो राइस्टार ने वन टैप भी नहीं मारे होंगे। तो गाइज ये पांच ऐसे एबिलिटीज एंड एट्रीब्यूट थे जिनको लेकर ज्यादातर बंदे कंफ्यूजन में रहते। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। सो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। सो चलो गाइज बाय बाय।